हमीरपुर शहर से अतिक्रमण का स्थायी हल करने के उद्देश्य और शहर को सौंदर्यीकरण दृष्टि से बढ़िया बनाने के लिए जिला प्रशासन कारगर कदम उठाने जा रहा है, जिसके तहत करीब 10 करोड़ की लागत से दुकानों के आगे लोहे की रेलिंग के साथ साथ सौंदर्यीकरण के लिए काम शुरू किया जाएगा। बकायदा जिला प्रशासन ने प्रपोजल बनाकर केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिया है, जिसकी जल्द ही अप्रूवल और बजट आने पर काम शुरू किया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि करीब 8 से 10 करोड़ का प्रपोजल बनाकर भेजा गया है और जैसे ही बजट आएगा उसके तहत कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय अर्बन विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद रेलिंग और सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से कि जो हमारा शहर है उसका संपूर्ण विकास हो, और इसी के मद्देनजर हमने बोला था कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोग रेडी फली और अपनी दुकानों के सामने जो सामान सजा रहे थे उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए हमने जो रणनीति बनाई थी उसमें ये था कि हम रेलिंग्स वगैरह लगाएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो शहर में और भी चीज़ें थी, ड्रेनेज था और थोड़ी साफ सफाई की व्यवस्था थी, जो टाउन हॉल का था, ये सारे के ऊपर हमने एक एस्टिमेट तैयार किया है जो लगभग 8 से 10 करोड़ का है, और ये हमने अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भेजा है और ये ADB के माध्यम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से स्पॉन्सर होगा, और जैसे ही राशि हमें प्राप्त होगी इस पे कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में अतिक्रमण के मामले में बढ़ोतरी है और जिला प्रशासन को भी अतिक्रमण हटाना टेढ़ी खीर बनता जा रहा है, जिस कारण अब जिला प्रशासन ने स्थायी हल निकालते हुए बाजार में दुकानों के बाहर रेलिंग लगाने का निर्णय लिया है। वहीं करोड़ों रुपए के बजट मिल जाने के बाद शहर के सौंदर्यीकरण होने से भी 4 चांद लगेंगे।